नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज शहीद प्रति सम्मान व्यक्त करत शहीद दिवस मनावल जा रहा है। राजनीतिक आंदोलन में शहीद होइल सब के एकीकृत अभिलेख तैयार करला प्रधानमंत्री के निर्देशन। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना 15 दिन में सरकार के खर्च से आमदनी ज्यादा, पूंजीगत खर्च। श्रम मंत्रालय द्वारा वैदेशिक रोजगारी के शिकायत, तत्काल सुनवाई करला कॉल सेंटर के शुभारंभ। ठगी की घटना कम होके की अपेक्षा। उत्तर कोरिया द्वारा पिछला 5 वर्ष एने के ही शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण, अमेरिका, जापान आ दक्षिण कोरिया कैलक शिकायत। आ शहीद स्मारक ए डिविजन लीग के 10वां चरण के खेल सब माघ के अंतिम हफ्ता से शुरू होगी। देश आ जनता के अधिकार खातिर जीवन आहुति करे वाला शहीद प्रति सम्मान व्यक्त करत देशभर शहीद दिवस मनावल जा रहा बा। नेपाली जनता के सार्वभौम सत्ता संपन्न नागरिक बनावेला राणा शासन, निरंकुश पंचायती व्यवस्था आ तानाशाही, राजतंत्र विरुद्ध प्रजातांत्रिक क्रांति एवं लोकतांत्रिक आंदोलन में अपन जीवन के बलिदान करे के वीर सपूत सब के याद में प्रत्येक बरस शहीद दिवस मनावते आयल जा रहा बा। वीर शहीद सब शुक्रराज शास्त्री, धर्मरक्त भक्त माथिमा, दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ के संघर्षमय जीवना, बलिदान के कहानी आ प्रजातांत्रिक आंदोलन के अन्य योद्धा सब के योगदान में शहीद दिवस मनाते गई बताओल गई बा। निरंकुश जहाने राणा शासन विरुद्ध अपन जान के बलिदानी करत वीर के याद में माघ 10 गते से 1 हफ्ता तक शहीद सप्ताह मनाते आयल गई बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक आंदोलन में शहीद भइल सब के सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तैयार करला निर्देशन देहले बानी। आज शहीद दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री देउवा राजनीतिक आंदोलन में शहीद भइल सब के सत्य तथ्य विवरण के एकीकृत अभिलेख बनावेला आवश्यक रहल बतौले बानी। शहीद स्तंभ लइनचौर में आयोजन कैल कार्यक्रम में शहीद संबंधी संकलन भइल विवरण सुरक्षित राखेला जरूरी रहल कहत इस विषय में ठोस कार्य आगे बढ़ावेला संबंधित मंत्रालय के निर्देशन देहनिहा। प्रधानमंत्री देउवा शहीद सब के योगदान के चिरस्थायी बनावेला सरकार शहीद के परिवार के सहयोग करे के आ शहीद सब के बारे में युवा पुस्ता के जागरूक बनावे पड़े के बताउनी। नेपाल सरकार ने शहीद को नामक विभिन्न मार्ग स्थान को नामांकन करने, पुस्तकालय स्थापना करने, शहीद को जीवनी संघर्ष को इतिहास प्रकाशन करी नया पुस्तक जानकारी कराने, शहीद का आश्रित संसदीय परिवार एक उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने लगायत का काम करते आई यहां कार्य विधि में थप विस्तार करी शहीद परिवार सौदो सहयोग प्रदान करने सरकार ने ध्यान दिने। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य शहीद सबके योगदान के सम्मान करके देशा जनता खातिर अठौट के साथ आगे बढ़े परे के बताउने। देश जनता को लागि लोकतान्त्रिक गठनको लागि जुन योगदान गर्नुभयो त्यो हामी कसैले पनि कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौ। उहाँहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्न तै पनि उहाँले गरेका योगदान सम्पूर्ण नेपालीहरूले सदियौं सम्म सम्झिरहने छन्। हामी भन्दा पछि आउने पुस्ताले पनि सम्झिरहने छन् र उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँले दिएको योगदानलाई सम्मान गर्दै त्यही बाटोलाई पल्याउँदै हामी सबैले पनि देश र जनताको लागि केही गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्छ। मेयर साक्य काठमाडौँ महानगरपालिका शहीद सबके यादमै माघ 10 गते शहीद शुक्रराज शास्त्री, माघ 13 गते सिफलमै धर्मभक्त माथेमा, माघ 15 गते गंगालाल श्रेष्ठ आ दशरथ चन्द के सालिकमै माल्यार्पण कैल बताउने। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना 15 दिन में खर्च से आमदानी बहुते कैले बाटे। महालेखा नियंत्रक कार्यालय के मुताबिक सरकार यह बीच 5 खरब 44 अरब रुपया खर्च कैला पर 6 खरब 16 अरब रुपया स्रोत जुटौले बा। खर्च से भी स्रोत प्राप्ति 72 अरब रुपया ज्यादा बाटे। आषाढ़ महीना अर्थात आर्थिक वर्ष के अंत तक 12 खरब 40 अरब रुपया बजेट स्रोत प्राप्त करके सरकार के लक्ष्य 50% पूरा भइल बा। सरकार आर्थिक वर्ष के साउन से अभी तक 5 खरब 16 अरब 9 करोड़ रुपया राजस्व, 49 अरब 37 करोड़ रुपया गैर कर राजस्व आ
13 अरब 88 करोड़ रुपया अनुदान प्राप्त कैलखा। सरकार के अन्य स्रोत से 36 अरब 81 करोड़ रुपया प्राप्त भइल महालेखा नियंत्रक कार्यालय जनाउले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आज 69वां विश्व कुष्ठरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। कुष्ठरोगी के भेदभाव ना करे, कुष्ठरोगी के माया करे, कुष्ठरोगी प्रति होखे वाला भेदभाव अंत करे कहे वाला नारा के साथ ई दिवस मनावल जा रहल बा। कुष्ठरोग एक किस्म के जीर्ण संक्रमण हुए। कुष्ठरोग श्वास फेरला पर, बोलला पर, हाथ छिकैला पर वा खोखला पर निकले वाला मसीना कण सब के वा ओकर थोप्पा सब के माध्यम से पाटे के विश्वास बाटे। नया पुस्ता कुरीतिजन्य सवाल में जवाब उठावत ई रोग प्रति के भ्रम चिरे परे के सरकार वाला सब बतौले बा। सरकार भी कुष्ठरोग मुक्त समाज घोषणा कर चुकल बा। आज बैठक के कहल प्रतिनिधि सभा के बैठक फेरू सरल बाटे। आज खातिर बुलाओल गई प्रतिनिधि सभा के बैठक माघ 26 गते दोपहर 1 बजे खातिर राखल गई संघीय संसद सचिवालय जनाउले बा। संघीय संसद के महासचिव भरतराज गौतम से जारी कैल सूचना कोरोना महामारी के संक्रमण के जोखिम में थावत रहल कहत। आज बैठक के कहल गई बैठक ना बैठे के भैला से सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठक 10 दिन बाद सरले बानी। अब आर्थिक समाचार। सरकार वैदेशिक रोजगार के समस्या तत्काल संबोधन होखे किसिम से कॉल सेंटर स्थापना कैले बा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आज सिंहदरबार स्थित अपने मंत्रालय प्रांगण में सेवाग्राही के शिकायत सुनावत कैल ओह कॉल सेंटर के शुभारंभ कैने हा। कॉल सेंटर में सेवाग्राही सबके शिकायत तत्काल सुनवाई करे खातिर 1141 अर्थात 1660015005 निःशुल्क टेलीफोन के व्यवस्था कैल गेल बा। कॉल सेंटर @feb.gov.np ईमेल के भी व्यवस्था कैल गेल बा। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड के कार्यालय में भइल कॉल सेंटर से प्रभावकारी ढंग से काम करे ना सकल मिलला बाद मंत्रालय खुद ओह कॉल सेंटर स्थापना कैल मंत्री श्रेष्ठ बताउने। वहाँ के कॉल सेंटर में शिकायत आते ही तत्काल संबोधन करे के प्रतिबद्धता भी जनौले बानी। उस अवसर में मंत्री श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार में गैल लोग से ठगी कैल असूल कैल रकम तत्काल फिरता देवेला भी बिचौलिया सबके अपील कैने। वहाँ के ओह काम में सहयोगी भूमिका निभा करला संचार माध्यम सबके भी बार बार आग्रह कैने। 6 जने कर्मचारी सब ओ कॉल सेंटर से 24 घंटा सेवा दी लोग। मंत्रालय के सचिव एक नारायण अर्याल वैदेशिक रोजगारी में गैल सबके शिकायत सुनवाई करके तत्काल समाधान करे खातिर आवश्यक सुझाव देवेला भी संबंधित सभी पक्ष से आह्वान कैने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के 10वां चरण के खेल सब माघ के अंतिम हफ्ता से शुरू होखे वाला बा। इन्फा द्वारा लीग के 10वां चरण के खेल सब माघ के 27 गते से शुरू करे के तैयारी कल गई जनावल गई बा। इन्फा के लीग निर्देशक संजीव मिश्र के मुताबिक लीग के 10वां चरण के खेल सब माघ के अंतिम सप्ताह करे के तैयारी कल गई बाटे। वहाँ अभी के तैयारी मुताबिक माघ के 27 गते से फागुन के 1 गते तक करे के योजना रहल बताउने। उससे पहले कोविड के कारण स्थगित भइल चैसल यूथ क्लब आ नेपाल पुलिस क्लब के खेल करावल जाए। 9 चरण के खेल सब रैला बाद करीब 3 सप्ताह खातिर लीग में ब्रेक भइल रहे। ये बीच में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मॉरिशस संगे 2 गो महत्वपूर्ण खेल की योजना तय भइल रहे, जेहे में पहिलका खेल में नेपाल 1-0 से विजय भइल बा। 9 चरण तक के खेल ओरावला तक मच्छिंद्र क्लब लीग के शीर्ष स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। आज शहीद प्रति सम्मान व्यक्त करत शहीद दिवस मनावल जा रहा। राजनीतिक आंदोलन में शहीद भइल सब के एकीकृत अभिलेख तैयार करेला प्रधानमंत्री के निर्देशन। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना 15 दिन में सरकार के खर्च से आमदनी ज्यादा, पूंजीगत खर्च तरफ ध्यान लग गई। श्रम मंत्रालय द्वारा वैदेशिक रोजगारी के शिकायत तत्काल सुनवाई करेला
कल सेंटर के शुभारंभ ठगी की घटना कम होने की अपेक्षा उत्तर कोरिया द्वारा पिछले 5 वर्ष में के शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया कैलक शिकायत आ शहीद स्मारक डिवीजन लीग के 10वां चरण के खेल सब मार्च के अंतिम हफ्ता से शुरू हो भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखते रहे प्रणाम।